कैसे हो गाइस? आज बात करेंगे कि वाई न्यू ट्रेडर्स एग्जिट विद लॉस इन द मार्केट। मतलब क्या है कि नए जो ट्रेडर होते हैं वो मार्केट से लॉस लेकर क्यों निकल जाते हैं, क्या फंडा है, क्या मिस्टेक होती हैं, क्यों वो मिस्टेक्सों से दूर रहना चाहिए। पहला क्या करते हैं कि उनकी मिस्टेक क्या होती है। न्यू ट्रेडर्स आते हैं, वो कहीं भी देख लेते हैं कि किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो जल्दी से मार्केट में घुसते हैं, ब्रोकर में अकाउंट ओपन करते हैं और ग्रीन कैंडल बनती है तो बाय कर लेते हैं, रेड बनती है तो सेल कर देते हैं। ये बिल्कुल फ्रेशर जो नए होते हैं वो लोग करते हैं, जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। का सेकंड क्या मेथड अपने माइंड में बना लेते हैं कि मैं तो अमीर बन जाऊंगा, 5 लाख कमा लूंगा, 10 लाख कमा लूंगा, 20 लाख कमा लूंगा, ऐसे मिथ से दूर रहना चाहिए। अगर ऐसे मिथ अपने माइंड में रखेंगे तो आप फेल हो जाओगे। कैसे आप सक्सेसफुल हो जाते हो? स्टेप बाय स्टेप आप अगर चलोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाते हो। और कौन सी मिस्टेक करते हैं? तो उनको बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं आता होता है। वो क्या करते हैं, जहाँ पे सपोर्ट ले रहा मार्केट वहाँ से ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं, जहाँ सपोर्ट लाइन मार्क कर लेते हैं उसको ब्रेकआउट होता है तो उसमें एंट्री ले लेते हैं। वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। और मेजर मिस्टेक क्या होती है? प्रॉफिट मैनेजमेंट। मतलब क्या है, रिस्क रिवार्ड उनका बिल्कुल नहीं अच्छा होता है, उनको पता ही नहीं है मेरा रिस्क कितना है और रिवार्ड कितना है। मनी मैनेजमेंट मतलब कितना ट्रेड में इन्वेस्ट करना है, 10% इन्वेस्ट करना है या 20% इन्वेस्ट करना है। और कैपिटल का मैनेजमेंट मतलब कि मेरे पास कितनी कैपिटल पड़ी हुई है, अगर मैं इतना लॉस ले लूंगा तो मेरे पास इतनी कैपिटल बच जाएगी, तो 2% मेरे को प्रॉफिट लेना है या 3% प्रॉफिट लेना है और उस पर मेरे को लॉस कितना चाहिए। ये बड़ी गलतियां करते हैं जो न्यू ट्रेडर होते हैं। और फिर क्या करते हैं, उनको 10 दिन लॉस हो गया, 5 दिन लॉस हो गया, 1 दिन में लॉस हो गया और क्या करते हैं, एग्जिट मारते हैं, निकल जाते हैं। फिर उनका नया काम क्या स्टार्ट होता है, वो क्या ढूंढते हैं कि मेरे को कोई ट्रेड करवाए, मतलब टिप्स लें, सिग्नल लें, कुछ भी ले मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए। मेरे को ऐसे बहुत मैसेज आते हैं कि हमें टिप्स दे दो कि मंडे के दिन क्या होगा, ट्यूसडे के दिन क्या होगा, मार्केट में डाउन जाएगी बैंक निफ्टी, ऐसे टिप्स मांगते हैं। और इन टिप्स का मतलब क्या होता है? मतलब सिंपल सा है, अगर आप किसी गाड़ी में बैठ जाओगे, आपको चलानी नहीं आती, आप किसी धक्का लगाओगे, वो क्या काम हो जाता है, टिप्स कॉल्स का काम हो जाता है। उसका मतलब क्या है कि जितना टाइम आपको बंदा टिप्स देगा उतना टाइम आप प्रॉफिट करोगे या लॉस करोगे, और कुछ कुछ तो फ्रॉड भी हो जाते हैं। क्या होता है, 10 को 22 दे दिया और 10 को सेल दे दिया, किसी एक ने प्रॉफिट कमाया और उनमें से आधा प्रॉफिट वो ले जाते हैं। और फिर उनको क्या होता है, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। फिर मेरे को बहुत मैसेज करते हैं काफी लोग तो, कि मेरे को इतना लॉस हो गया, कवर करवा दो, क्या मेरे को मंडे बता दो या क्या होगा, कहाँ पे बाय करूँ, कहाँ पे सेल करूँ। तो मैं उनको बोलता हूँ मैं ऐसा काम ही नहीं करता, अगर सीखना है तो आ जाओ, नहीं तो बाय बाय टाटा। जिनको लॉस हो जाता है फिर वो ऑप्शन बाइंग में ट्राई करते हैं, उनमें उसका बड़ा लॉस हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में कम पैसों से बड़ा पैसा बना सकते हैं, वो भी कम टाइम में। तो मेरे को काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि हमें ट्रेडिंग तो आती है लेकिन मेरे को ऑप्शन बाइंग में ट्रेडिंग सीखनी है। अरे ये क्या फंडा हुआ, मतलब अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो ऑप्शन बाइंग में ट्रेडिंग नहीं आती? ऑप्शन बाइंग में क्या करना होता है, ऑप्शन बाइंग में भी ट्रेडिंग ही करनी होती है, मतलब ट्रेड में एंटर होके प्रॉफिट लेना होता है, तो अगर लॉस हो तो उसे कम लेकर निकल जाना चाहिए मार्केट से। ऑप्शन बाइंग का ये फंडा होता है। ऑप्शन बाइंग एक अच्छी चीज है जिनको करनी आती है, जिनको नहीं करनी आती उनके लिए वो डेंजर चीज है। तो आपको मार्केट में एंटर कब करना चाहिए, जब आप टेक्निकल सीख लें, फंडामेंटल सीख लें, कैंडलस्टिक की रीडिंग सीख लें और क्या सीख लें कि हमें कब बाई करना है, कब सेल करना है। रिस्क और रिवार्ड को मैनेजमेंट करें, अपने कैपिटल को मैनेजमेंट करें, तब आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, वरना आपके बस की बात नहीं है। और मेजर जो लोग सभी गलतियां करते हैं, मेरे साथ भी हुआ है कि जब हम ट्रेड में एंटर ले लेते हैं तो आप प्रॉफिट तक नहीं रुक पाते हैं। क्या होने लगता है, मान लो आपने एक ट्रेड में 1 लाख लगाया है और उसमें प्रॉफिट 10 हजार का है, लॉस 5 हजार रुपए का है, और जब वो मार्केट आपकी साइड चलता है 2-3 हजार प्रॉफिट होता है, तो आपको क्या फील होने लगता है, एग्जाइटी होने लगती है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और लॉस के वक्त क्या होता है कि जब मार्केट नीचे आ रही है, आपका 5 हजार का लॉस है,
तो आपका लॉस 4000 शो कर रहा है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को और बढ़ाते जाते हो। उसमें क्या होता है कि आप एक ट्रेड में घुस जाते हैं, वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आपको अपने प्रॉफिट तक रुकना चाहिए और लॉस तक रुकना चाहिए। अगर ये आपकी रेशियो सही रहेगी तो आप अच्छे से पैसा बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कल को वीडियो आएगी कि हम किन स्टॉक में मंडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। आपको कल स्टॉक निकाल के दूंगा, लेवल निकाल के दूंगा। अगर ऐसा होता है तो आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो, ऐसा होता है तो वैसे ट्रेड कर सकते हो। वो कल को वीडियो आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।